तो दोस्तों, मैं ये कहीं जाने के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आज के वीडियो का रिव्यू करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो प्रोडक्ट है वो है दो पोर्टेबल लगेज स्केल। तो ये दोनों बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। अगर फ्लाइट में कहीं जा रहे हैं तो आपको अपने लगेज का वेट कितना है वो जानना जरूरी है, और फिलहाल वेब चेक इन मैंडेटरी हो गया है, और वो जानने का सबसे आसान तरीका है ऐसा वाला पोर्टेबल लगेज स्केल। तो आप कहीं पे भी अपने लगेज का वेट कर सकते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट का आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो ये हो गया दो वेट स्केल। ये जो बड़ा वाला है इसके ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक लगेज स्केल, जो देखने में ऐसा है। यहाँ पे हुक दिखाया है लेकिन यहाँ पे हुक मुझे नहीं मिला है, और मुझे ऐसा वाला एक स्ट्रेप मिला है, तो ऐसे लटकाना पड़ता है। यहाँ पे फीचर्स लिखा हुआ है, पीछे भी सेम है। और दूसरा वाला जो है पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्केल लिखा हुआ है, जो देखने में ऐसा है। नीचे एक हुक है, स्क्रीन सामने है, तो इसके नीचे कुछ फीचर्स लिखा हुआ है, दूसरे साइड में सेम है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इस बड़े वाले का अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए, ये है प्रोडक्ट। तो इसके अंदर पे दो बैटरीज भी मिला है, ये दो ट्रिपल ए बैटरी है, और नीचे यहाँ पे यूजर मैनुअल दिया हुआ है। तो ये हो गया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रेप दिया हुआ है, नीचे वहाँ पे बैग को लटकाना पड़ेगा। और ये जो प्रोडक्ट है इसको ऐसे पकड़ते हैं, और ऊपर में LCD स्क्रीन है। यहाँ पे दो बटन है, ये ऑन ऑफ करने के लिए और टेयर ऑप्शन है, और दूसरे साइड में यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है। तो मैंने डाल दिया है, तो डालते ही स्क्रीन देखिए ऑन हो गया है। ये ब्लू बैकलाइट वाला स्क्रीन है, कैमरा में इतना ठीक से पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा ही ब्लू है, बहुत ही ब्लू है। तो अभी इसको बंद करेंगे बैटरी कंपार्टमेंट को। तो ये अभी एकदम रेडी है यूज करने के लिए। तो ये हो गया पहला वेट स्केल। तो अभी बारी है दूसरे का, तो अभी अनबॉक्सिंग करेंगे इसका। तो ये देखिए, ये हो गया यूजर मैनुअल, और ये हो गया प्रोडक्ट। इसमें भी दो बैटरी साथ में मिला है, ये ट्रिपल ए बैटरी है। तो ये हो गया एक्चुअल प्रोडक्ट या वेट स्केल। तो ये हो गया सामने का हिस्सा, यहाँ पे ये LCD स्क्रीन है, ये ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे टायर का बटन है, और ये यूनिट का बटन है, और नीचे लिखा हुआ है डेविएशन के बारे में, और उसके नीचे ये हुक है जहाँ पे सामान को लटकाना पड़ता है, और ऊपर में ये वाला है जहाँ पे आपको ऐसा पकड़ना पड़ता है। पीछे बैटरी का कंपार्टमेंट है जहाँ पे आपको दो ट्रिपल ए बैटरी डालना पड़ेगा, जो मुझे साथ में ही मिला है, तो मैं डाल देता हूँ। तो डालते ही देखिए स्क्रीन ऑन हो गया है। ये ग्रीन बैकलाइट का स्क्रीन है, बहुत ही ग्रीन है, कैमरा में थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही ग्रीन स्क्रीन है। तो ये हो गया दोनों प्रोडक्ट या वेट स्केल। तो जो दाम है, इसका दाम है 399 रुपीज, और इसका दाम है 349 रुपीज। और इन दोनों को खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स को खरीदा है onlinebazaar.com से, जो एक ट्रस्टेबल वेबसाइट है। और अगर आप वहीं से खरीदेंगे तभी आपको ये सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नहीं तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। तो अभी बारी है इन प्रोडक्ट्स को यूज करने का, तो चलिए देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं, और इसके बाद देखेंगे कि ये दोनों वेट स्केल एक्यूरेट है कि नहीं, क्योंकि जो रीडिंग है वो भी एक्यूरेट होना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको वो प्रूफ भी मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए अभी इस बैग का कितना वेट है वो मापते हैं, और इस लगेज वेट स्केल से। तो देखिए, मैंने एक बैग लटका दिया है, इसका वेट दिखा रहा है 3.325 kg, मतलब 10 kg 325 ग्राम। तो इसका वेट हो गया है, तो अभी दूसरे का वेट करेंगे। ये थोड़ा सा भारी है, तो यहाँ पे रीडिंग आ गया है, आप देख सकते हैं 9 kg 500 ग्राम। तो ये जो वेट मशीन है ये 50 kg तक वेट को माप सकता है, लेकिन 50 kg को हाथ में उठाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसका भी हो गया है। तो देखिए, वजन को मैंने निकाल दिया है, फिर भी ये रीडिंग दिखा रहा है। तो इसको ऑफ कर देते हैं, उसके बाद फिर से ऑन करेंगे। तो अभी बारी है दूसरे बैग का, वो बड़ा वाला। तो ये देखिए, मैंने ये भी लटका दिया है, तो ये अभी रीडिंग बताएगा। इसने रीडिंग बताया है 11 kg 86 ग्राम। तो ऐसे ही आप अपने लगेज का वेट कर सकते हैं इस वेट स्केल से। तो इस वेट स्केल का अभी जो एक्यूरेसी है वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैंने एक ट्रिक आजमाया है, चलिए वो भी करके आपको दिखाता हूँ, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये एक्यूरेट है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने 1-1 kg का दो पैकेट लिया है, ये देखिए यहाँ पे 1 kg का और दूसरा वाला 1 kg का, तो दोनों को मिला के हो जाता है 2 kg। तो अभी इनको मैं डालने वाला हूँ एक बैग में, ये खाली बैग है, तो इसके अंदर में डाल रहा हूँ दोनों को। तो मैंने डाल दिया है, ये हो गया 2 kg का पैकेट। तो अभी देखते हैं ये मशीन कितना बताता है। तो इस मशीन को मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, तो 0 हो गया है। तो अभी मैं ये लटका रहा हूँ यहाँ पे,
तो अभी देखते हैं ये कितना बताता है। तो देखिए रीडिंग आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है रीडिंग 2 kg 30 g, मतलब 30 ग्राम ज़्यादा आया है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नीचे लिखा ही है डेविएशन आ सकता है। तो अगर आप 0 से 10 kg का मापते हैं तो 5 ग्राम आ सकता है डेविएशन, और 10 kg से 50 kg तक मापते हैं तो डेविएशन 10 ग्राम आ सकता है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया है, और वो इसीलिए क्योंकि ये जो बैग है इसका भी वजन है, और साथ में इस बैग के अंदर जो पैकेट्स है बाहर का जो पॉलिथीन है उसका भी वजन है, तो थोड़ा सा दिखा रहा है। वैसे ये एक्यूरेटी है, मतलब 2 kg 2 kg दिखा दिया है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसका दाम है सिर्फ 349 rupees। जी हाँ, एकदम सस्ता है। तो चलिए अभी देखते हैं दूसरा वेट स्केल को। अभी ये जो दूसरा वाला वेट स्केल है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इसका जो LCD स्क्रीन है वो ऊपर में है, तो आप जब उठाएंगे तो आपको रीडिंग मिलेगा ऊपर में। और एक यहाँ पे नीचे कोई हुक नहीं है, यहाँ पे एक क्लिप है, इसको खोलना पड़ता है और उसके बाद इसको लगाना पड़ता है। तो चलिए एक बैग का वेट करते हैं अभी ऐसे। तो अभी मैं बैग को ऊपर उठा रहा हूँ, तो देखिए ऊपर में इसने रीडिंग बता दिया है। यहाँ पे रीडिंग बताया है 3 kg 37 g, तो ये ऊपर में रीडिंग मिलता है। तो अभी दूसरा बैग को लगा के देखते हैं। तो अभी ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे रीडिंग आया है 9 kg 66 g। लेकिन इस मशीन का भी एक्यूरेसी टेस्ट करना पड़ेगा, तो चलिए इसमें 2 kg का बैग को लगा के देखते हैं। तो ये हो गया 2 packets 1 kg का, सेम है। तो अभी इसको ऑन करेंगे, 0 हो गया। तो अभी इसका वजन में माप रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग कितना बताया है, यहाँ पे रीडिंग बताया है 2 kg 8 g, मतलब ये पूरा एक्यूरेटी है, सिर्फ 8 ग्राम ज़्यादा दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है डेविएशन 10 ग्राम आ सकता है। तो यहाँ पे दिखाया है 8 ग्राम ज्यादा, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ने बोल ही दिया है 10 ग्राम का डिफरेंस आ सकता है, तो ये एक अच्छा वेट मशीन है। ये पूरा ही एक्यूरेट है, लेकिन नीचे में हुक नहीं है, ये वाला नीचे में हुक है, तो ये आसानी है यूज करना। लेकिन इसमें जो स्क्रीन है वो सामने है, तो आपको वेट करके ऐसे देखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन इसमें स्क्रीन ऊपर में है, तो आप उठा के ही ऊपर में देख सकते हैं, वो अच्छा बात है। और इसका दाम है 399 rupees, और इसका दाम है 349 rupees। तो आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं, दोनों ही अच्छा है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट मुझे ये लगा। लेकिन इसमें आपको हुक नहीं मिलेगा, इसमें हुक मिलेगा, और इसमें स्क्रीन सामने है और इसका स्क्रीन ऊपर में है। तो अभी आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा लेना है। दोनों को खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप खरीद सकते हैं। आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैंने जो लिंक्स दिया है वहीं से खरीदिए, तभी आपको ऐसा सेम वाला प्रोडक्ट मिलेगा। और जो मैंने लिंक्स दिया है वो है onlinebazaar.com का, वो एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, ट्रस्टेबल वेबसाइट है, जहां से मैं भी परचेस करता हूं और आप भी कर सकते हैं। और उस वेबसाइट का जो ओनर है उनका नाम है विशाल, जो बहुत ही फ्रेंडली है, कोई भी डाउट हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनका फोन नंबर आपको उनके वेबसाइट में मिल जाएगा। और अगर आप उनके वेबसाइट से खरीदेंगे और प्रीपेड पेमेंट करेंगे तब आपको 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इन प्रोडक्ट्स में, और साथ ही होम पेज में आपको ऑफर्स के बारे में पता चलेगा और प्रोमो कोड्स भी मिलेगा। तो अभी विजिट कीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह का यूजफुल प्रोडक्ट्स का रिव्यूज करता रहता हूँ। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।